हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बहुत दिन के बाद अब वीडियो बना रही हूँ, करीबन 3-4 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था, तो इस वजह से मिस्त्री लगे हुए थे घर में, तो बहुत सारा काम बिखरा पड़ा हुआ था और मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं वीडियो में एडिटिंग करूं, वॉइस ओवर करूं। और उन्हें बोलते हैं ना घर में कितने सारे मिस्त्री, तो मैं उसी में बज गई थी, उन्हीं का कभी चाहे बना के देना, तो कभी काम देखना, तो कभी बच्चों को देखना, तो कभी खाना बनाना। तो इसी तरह मैं सारा दिन कामों के पीछे लगी रहती थी, बज गई थी पूरा कामों में। तो आज मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला है, तो यहाँ पर शाम का टाइम है, तो थोड़ा सा टहल रही थी मैं। सारा दिन काम करते करते थक सा गई थी, तो आज मौसम थोड़ा सा अच्छा किया हुआ था, तो शाम को टाइम ऐसे छत पे ही मैं टहल लेती हूँ, क्योंकि मैं उतना बाहर नहीं निकल पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बड़ी और आलू का सब्जी बना रही हूँ। बड़ी आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर मैं बड़ी और आलू का सब्जी बना रही हूँ, तो जिसमें मैं आलू फ्राई करके निकाल ली थी। अब यहाँ पर फ़ौरन डाल रही हूँ। फ़ौरन डालने के बाद मैं इसमें प्याज दे दूँगी, और प्याज डाल देने का प्याज को भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और फिर मसाला वसाला डाल के मैं इसे सब्जी बना लूँगी। मैं इसका रेसिपी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप तो शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी और दिन आपको ठीक अच्छी तरह से बताऊँगी कि हाँ ये सब्जी किस तरीके से बनता है। बस ऐसे ही नॉर्मली आज मैं बता दे रही हूँ कि भूनने के बाद मैं इसमें मसाला भूनूंगी। और मसाले के लिए मैंने वही धनिया, खड़ा गरम मसाला और लहसुन आदि और गोलकी जीरा ले रखा था। इन सभी को मैं मसाला पीस लूँगी। आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर में पीस लीजिएगा। इस तरह देखिए मैं मसाला पीस के इसका पेस्ट बना ली हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी डाल दिया है। इन सभी मसालों को मैं प्याज में डाल के फिर इसे भी भून लूँगी अच्छी तरह से। और भूनने के बाद मैं इसमें बड़ी डाल दूँगी। बड़ी को भी 2-3 मिनट ही भूजूँगी, उसके बाद मैं इसमें आलू डाल के पानी डाल दूँगी। तो आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उनका सब्सक्राइबर दिखता है, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो वैसे तो बोलते हैं कि हमने आपको सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन उनकी सब्सक्राइब का काउंटिंग मेरा बढ़ता नहीं है। जितना पहले दिखाता था उतना ही सब्सक्राइबर अभी भी दिखाते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब में थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और प्लीज़ हमें अपनी फ्रेंड के ग्रुप में हमें भी शामिल कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी एक दूसरे का दोस्त बने तो दिल से बने, ताकि दोस्ती हमारी गहरी हो। क्योंकि मैं एक सप्ताह वीडियो नहीं बनाई थी, तो मेरा व्यूज़ भी कम हो गया है, और जो वॉच टाइम था वो भी कम हो गया है। जो पहले से रिकॉर्ड हुआ था उसमें भी कमी आ गई है, तो पता नहीं ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ वो नहीं जानते। शायद गलती मेरी ही थी कि मैं एक सप्ताह वीडियो बनाना स्टॉप कर दी थी। तो चलिए आज के बाद ऐसा नहीं होगा, जो भी कुछ मेरे लाइफ में होगी वो सब मैं आप लोग के साथ डेली पर डे मैं शेयर करूँगी। ऐसा ही कोई मुसीबत आएगा जिस दिन मैं शायद वीडियो नहीं बना पाऊँ, तो इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा रूम में पुट्टी का काम चल रहा है। तो ये जो आप आपको जो दिख रहा है ये मेरा नीचे का फ्लोर है। एक्चुअली मेरा घर दुतल्ला है, तो ऊपर का फ्लोर में मेरा बेडरूम मैं रहती हूँ, और ये नीचे का फ्लोर है। तो यहाँ भी काम अभी नहीं पूरा कंप्लीट हुआ था, तो देखिए यहाँ भी पुट्टी हो रहा था। काम अब कुछ दिन ही चलने वाला है, क्योंकि अब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो को एंड करती हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप इसे फुल वॉच कीजिए।